हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बहुत सारे लोगों के नाक की एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, यानी नाक से छींके आना, नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना, नाक में मांस का बढ़ जाना, या मौसम जैसे चेंज होता है तो नाक में एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन सब की प्रॉब्लम आती है। तो मेरा आज का ये वीडियो इसी बात पर है कि नाक की जो नाक में जो मांस बढ़ता है उसके क्या लक्षण होते हैं, वो क्यों बढ़ता है, उसका क्या इलाज है, इससे बचने के क्या उपाय है। यानी नाक के मांस को बढ़ने को हम बोलते हैं साइनस पॉलिप्स बोला जाता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो साइनस पॉलिप्स होता है उसमें व्यक्ति के नाक के अंदर छोटी सी मांस की गांठ बन जाती है, और ये मांस की छोटी सी गांठ है वो शुरुआत में तो कोई परेशानी नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता है इसमें परेशानी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे ही ये जो मांस की जो गांठ है ये बढ़ेगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, सूंघने में प्रॉब्लम होगी और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में ये जो साइनस पॉलिप्स होता है इसकी जो वजह है वो होता है नाक में इन्फेक्शन होना, उसकी वजह से हो सकता है। साथ ही यह गांठ व्यक्ति को दवाइयों के प्रति संवेदनशीलता पैदा कर देती है, अस्थमा, एलर्जी और किसी प्रकार के इन्फेक्शन से ये बढ़ जाती हैं। शुरुआती स्तर पर इस गांठ में व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, लेकिन आगे चलकर ये बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में हो सकता है, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार आदमियों से ज़्यादा जो लेडीज़ होती हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये जानते हैं कि इसके लक्षण क्या है। इस बीमारी के सामान्य लक्षण आप बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। यह बीमारी होने पर आपको सुनने में दिक्कत आ सकती है, साथ ही साथ आपके चेहरे और सिर और चेहरे में दर्द होना शुरू हो सकते हैं। अन्य लक्षण देखें तो इसमें क्या होता है कि सुगंध जो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं उसके सूंघने में दिक्कत आती है, उसकी सुगंध में दिक्कत आती है। आपकी सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है, आँखों के पास खुजली हो सकती है, नाक बहना इस बीमारी का एक सामान्य लक्षण माना जाता है। और सोते वक्त भी अगर आप खर्राटे काफ़ी अधिक मात्रा में ले रहे हो तो ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये जो आपके ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, जो नाक के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको ज़रूर दिखाना चाहिए। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये जो नोजल पॉलिप्स होता है उनका खतरा बढ़ जाता है। वो क्या कारण होते हैं, क्या होता है कि इस बीमारी का अभी तक किसी विशेषज्ञ के द्वारा सटीक कारण अभी तक पता नहीं लगा है, परंतु कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये बढ़ने की संभावना रहती है इसकी। जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है उन लोगों को सांस की नली में सूजन और दर्द होने लगता है, और साथ ही साथ नाक में गांठ होने लगती है। शरीर में एस्प्रिन सेंसिटिविटी की अवस्था में अगर किसी को एस्प्रिन से सेंसिटिविटी है तो ऐसे कंडीशन में गांठ होने की संभावना बढ़ जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी नाक के मांस बढ़ने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति के नाक से चिपचिपा और तरल द्रव्य बहने लगता है। इसके साथ इस बीमारी के और भी कुछ कारण होते हैं। सटीक कारण अभी तक किसी को पता नहीं है, इसलिए इसके उपाय भी अभी तक सटीक उपाय किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ उपायों की मदद से आप इनसे बच सकते हो। वो क्या है चलिए जानते हैं। सबसे पहला है कि आपको अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। ऐसा करने से आप बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से अपनी नाक का बचाव कर सकते हैं। यदि आप कहीं धूल मिट्टी वाली जगह पर जा रहे हैं तो आप अपनी नाक पर कपड़ा या मास्क लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि हवा में कई बार कुछ ऐसे चीज़ें मिल जाती है, मतलब उत्तेजक कोई पदार्थ होते हैं वो घूमते रहते हैं, उनकी वजह से आपके जो नाक है उनके माध्यम से ये अंदर चले जाते हैं, जिससे ये बीमारी और बढ़ सकती है। इसके साथ यदि आप अस्थमा या किसी प्रकार की एलर्जी से ग्रसित हो तो आपको डॉक्टर्स के पास जाके इसका इलाज ज़रूर करवाना चाहिए। अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। इस बीमारी के इलाज के लिए शुरुआत में दवाइयाँ देंगे,
दवाइयों के माध्यम से वो डॉक्टर है वो आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे, परंतु अधिक प्रॉब्लम होने पर आपको सर्जरी के माध्यम से भी इसका इलाज किया जा सकता है। यानी कि ये जो नोजल पॉलिप मास बढ़ जाता है उसकी सर्जरी के द्वारा इसको कम कर दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है। शुरुआत में आपको ये जो नेजल पॉलिप है या नहीं है ये जाँच करने के लिए डॉक्टर एक इमेजिंग टेस्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस और नोजल एंडोस्कोपी जैसी कुछ प्रक्रियाएँ कर सकते हैं, इसके माध्यम से जाँच करते हैं। यदि आपको इन सभी टेस्ट से होकर गुजरने पर बीमारी का पता चलता है तो इसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। तो ये है आज का टॉपिक। बहुत बार ऐसे देखा गया है कि अगर ये ऑपरेशन कर भी दिया जाता है फिर भी ये जो मास बढ़ना है वो कुछ लोगों के, मतलब 50-70% लोगों के ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के रीअकर हो जाता है, वापस से होने लग जाता है। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर है वो आपको एडवाइस देंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इसके अलावा मैं आपको रेगुलर एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आपको रेगुलर योगा ज़रूर करना है। अगर आप योगा करते हो तो आपको ये इस बीमारी से आपको जल्दी ही राहत मिल सकती है, क्योंकि ये एक नेचुरल तरीका है इसको ठीक करने का। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल। थैंक यू।